प्रदीप मनीष जो मीडिया में आपकी आवाज पहुंचाओ भाई करिए, कितना विवाद हो खटखड़ जरूर आओ ही पता हरियाणा फिर पास आवा। और भाई पे ये उम्मीद चल रग नहीं बुला रहा था बहुत दिन में देखो मैं छोटा थोड़ा ही मार लग गया तो बाहे को गया सुतरा अगली बार इंडिया में बजावे उड़ता है ये छोटे छोटे बालक मारा गला काम करने लग गए थे। मैं कोई भाषण नहीं देगा क्योंकि हमने थोड़ी जल्दी है और यहां से निकलते निकलते मैंने प्रार्थना करी प्रधान जी एक बार हमें सिर्फ नीचे उतर कर माफी मांग लिया ना हमें चलने लग रहे हैं। लेकिन दो एक बात जरूर कहूंगा साथियों, दो तीन चीज याद रखू आप ये उच्चारण हल्का का धरना है, ज्यादातर उच्चारण हल्का के लोग बैठे बच्चे जींद के बैठे और यहां पर दो साथी राजनीति करते, एक साथी राजनीति करता देवीलाल के नाम पर और एक साथी राजनीति करता सर छोटू राम के नाम पर। पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान ही नहीं पूरे देश का किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा और अभी एक चर्चा चली कि सेंटर के अंदर अपना वाला उच्चारा वाला भाई मंत्री बनवाने का जलिया छोरा ने मंत्री बनवा ली भाईचारे की नहीं बनी छोरा ने मंत्री बनवाने का कदे न्यू नहीं देखा खेत के टोल पा के भाईचारा किस दुख दर्द में कदे न्यू नहीं देखा किस प्रदेश का किसान जिस छोटू राम को परमात्मा मानता था उसका नाती होने के नाते कम से कम एक बार भाईचारा में माफी ना मांग ले भाई पर आज क्या करना हूं बोल नहीं सकता कदे शर्म नहीं आई। 500 किसानों ने कि आज तक बलिदान हो चुका है सांझा ने कदे एक शब्द नहीं बोला। और दूसरा भाई ये कह है यहां से आपका विधायक के भी किसान आंदोलन तो रहे ही नहीं इस आंदोलन के अंदर तो जिला परिषद का सरपंच का मेंबर का एमएलए का एमपी का इलेक्शन लड़ने वाले बैठे बस क्यों तेरा भाई बन रही है यार इलेक्शन लड़ने वाली एक चोर गुंडा लुच्चा उचक्का भ्रष्टाचारी इलेक्शन लड़ सकता है कि ना किसान इलेक्शन भी लड़ सकता किसान के ऊपर प्रतिबंध है। अगर किसी गांव में कोई सरपंच उठे या जिला पार्षद उठे मैं तो नहीं कहूं भाइयों हाथ जोड़ के प्रार्थना है वोटे उसने दिए जो किसान ना का समर्थक हो जो किसान आंदोलन में आया ही नहीं हो आज तक जिसने किसान देखे नहीं देखे हो जिसने मजदूर का दर्द का नहीं दे रहा हो उसी मेंबर भी ना बढ़ फिर मेरा पटेगा इन शर्म नियम भी आदमी एक घटना होगी आत्महत्या कर गया एक भाई टिकरी पर नजदीक का काम का था वीडियो आ रही वीडियो में साफ साफ पैर लग रहा वरना मैं अपने घर के ना दुखी था इसलिए अपने पेट से टैग लगी और प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कब तो ये अपराधियों का अड्डा बन गया आंदोलन। मुख्यमंत्री जी मैं आपको याद दिला दूं इस जब से आपका शासन आया है उससे पहले के और आज के आंकड़े देखिए हत्याएं कितनी हो रही है बलात्कार कितने हो रहे हैं छेड़खानी कितनी हो रही है पहले की सरकार से आपके शासन में ज्यादा हो रही है ज्यादा आंकड़े पहचान लिया अपने किसानों को बदनाम करना बड़ा आसान है राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद कौन से राष्ट्रवादी हो बेटा में राष्ट्रवाद की दो परिभाषा होती है राष्ट्रवाद का एक अभाव हम जो जिस तरह के राष्ट्रवादी है हम उस तरह के राष्ट्रवादी के मेरे देश के अंदर किसी भी जाति का धर्म का किसी भी वर्ग का कोई अहित ना हो उसे बोलने की आजादी चाहिए हमारी सीमाएं सुरक्षित हो
और एक ये जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको बोलते हैं, इनका एक वो कायर था जिसको वीर बोल जाकर उसने उसकी परिभाषा दी है, सावरकर, कायर सावरकर। उसके राष्ट्रवाद की परिभाषा के अंदर ना मजदूर का जिक्र है, ना किसान का जिक्र है, ना आदिवासी का कोई स्थान है, ना कहीं महिला का स्थान है, किसी भी ना सिख का स्थान है, ना मुसलमान का स्थान है। हम आपके राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं करते, हम अपने राष्ट्रवाद को स्वीकार करते। बार बार एक नारा दे दिया जाता है हिंदू खतरे में, मैं 100 करोड़ हूं, मैं हिंदू हूं, बताइए मेरे को किससे खतरा है। हाँ मैं परमात्मा को मानता हूं, हाँ मैं राम को मानता हूं, मंदिर में जाता हूं, मगर मत्तर राम का मंदिर बनवाना मेरा मूल मकसद नहीं है, मेरा मूल मुद्दा नहीं है। मेरा मूल मुद्दा मेरे देश के बेरोजगार को रोजगार चाहिए, मेरे किसान को भाव चाहिए, मेरे मजदूर को मजदूरी चाहिए, हमारी छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को आत्म सम्मान चाहिए। बकवास करते हैं साथियों, ज्यादा लंबा ना बोलते हुए मैं आपसे सिर्फ एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन बातों को याद रखना। महाराजा को मेम्बर उठ के जिम्मी दूषित का कर्जा में दर्द हुआ, कोई सरपंच उठ के जिम्मी दूषित का कर्जा में दर्द हुआ, कोई जिला परिषद में अपने बाप के बीच में बैठा जिला पार्षद उठ के, वो तो राजनीति कर रहा है, तेरा के खाता धारा उचार है, तो राजनीति नहीं करता। याद रखिए वाली इन बातों में, छोटू राम का फोटो देख के वोट ले गया, देवीलाल का फोटो दिला के वोट ले गया, और दोनों की विचारधारा ना छोटू राम का नाती छोटू राम की मानता, ना देवीलाल का प्रपोता देवीलाल की मानता, दोनों की आत्मा आज संग्राम के अंदर रो रही होगी, दोनों को बेइज्जती करने में तुले हुए। आपने किसान साथियों को गलत बात लिखी, मैं माफी चाहूंगा, आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुरेश जी, कसार गांव की घटना पर विस्तार से बात रखी, और जो यहाँ उचाना में दो साथी किसानों के नाम से 60 साल से राजनीति करते आ रहे हैं, 4 पीढ़ी को इसको चिंता होगी और दूसरी पीढ़ी इसकी जान पड़ी, ये किसान के ऊपर राजनीति करते आ रहे हैं, विस्तार से बात बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरनाम सिंह चुडुमी भारतीय किसान यूनियन से वो आए और अपनी बात रखी।